हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोग ना बोले। मैं हूँ आपके दोस्त नीरू ब्लॉगर। ऐसे ऐसे वीडियो आप तक शेयर करती रहूँगी। आज का ब्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो कहीं भी स्किप ना करें। और पता है एक्चुअली क्या है कि मैं कुछ बातें बताती हूँ या कुछ आप लोग के लिए अच्छी चीज़ें मतलब शेयर करती हूँ ना, तो आप स्किप कर देते हो, वो चीज़ें आपको दिखती नहीं गई। तो फिर आप यही कमेंट करके फिर बोलते हो कि आपने जो मतलब क्या इसमें टाइटल वगैरह करके मतलब जो डाला हुआ है आपने बताया रही है, तो आप ना ध्यान से सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। एक्चुअली मेरा मतलब क्या होता है कि मैं जो मतलब जो चीज़ें होती है ना बताती हूँ, आप लोग स्किप कर देते हो या मतलब बढ़ा बढ़ा के देखते, तो मैं कैसे फिर आपको पता चलेगा। तो आधी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। एक्चुअली ऐसा माना भी गया है और ऐसा प्रूव भी हुआ है कि भाई आधी जानकारी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एकदम ध्यान से सुने और स्किप कहीं भी ना करें। मुझे पता है कि कुछ लोग को मतलब मेरा डेली का रूटीन है बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग को नहीं अच्छा लगता है। जिनको अच्छा लगता है वो तो देखते ही हैं, जिनको नहीं अच्छा लगता है चलिए देखते तो हैं, अच्छा लगे या ना लगे कुछ भी है थोड़ा बहुत। तो अभी जो दोपहर का टाइम हो रहा है, समथिंग 11 बजे होंगे, 11 या 10:30 ऐसे टाइम हुए होंगे, मुझे कन्फर्म इतना पता नहीं है। तो मैं आप सोच रही हूँ कि डेली अब तक वीडियो शेयर करती रहूँगी कुछ ना कुछ। तो मैं एक्चुअली कपड़े वगैरह लगा दी थी सुबह में, कपड़े वगैरह धुल चुके हैं। और मैं कान्हा जी का सेवा वगैरह पूजा पाठ कैसे करती हूँ थोड़ा बहुत मैं आप लोग को बहुत जल्दी दिखाने वाली हूँ, लेकिन आज के कुछ चीज़ें भी शेयर करनी है, बहुत अच्छी चीज़ें बतानी हैं। तो बस पहले तो यहाँ पे समेटी समेटा हो जाएगा, अभी झाड़ू वगैरह लगाना है। और वीरवार को हमारे यहाँ पोछा नहीं लगता है, और आप लोग भी कभी भूल से भी वीरवार को मतलब बृहस्पतिवार जिसे जिस दिन होता है ना थर्सडे होता है, उस दिन आप प्लीज़ कहीं भी मतलब पोछा ना लगाएं आप घर में। इसमें कहते हैं कि लक्ष्मी का हान होता है, विष्णु जी का वास होता है ना, तो लक्ष्मी उस दिन रूठ जाती है, ऐसा कुछ माना गया है। माना क्या गया है? मेरे मायके में भी था ऐसा और मेरे ससुराल में भी है, तो आप लोग भी ना करें ऐसे कामें। तो बस यहाँ पे मेरा समेटी समेटा हो गया, बस झाड़ू लगा दूँगी। आज पोछा लगाने का बिल्कुल मतलब लगाना ही नहीं है। और आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं ना, तो बस मन एकदम खुश हो जाता है कि हाँ भाई आप लोग, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है, तभी तो आप देखते हैं और इतना अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। और कुछ तो कमेंट मैं हाईलाइट कर देती हूँ, कुछ जो मैया मतलब ठीक ठाक होते हैं वो मैं उस पर कर देती हूँ, मतलब दिखा दी हूँ आप लोग को। और यहाँ पे आराध्या की साइकिल आई थी, बर्थडे में मिला हुआ था, तो आराध्या नहा धो के इनका भी रेडी शेडी हो चुकी हैं। और बहुत अच्छी चीज़ ही है, मतलब एक मैं फ्लावर लेके आई हूँ, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं लेके नहीं आई थी, आराध्या को गिफ्ट मिला था कल का, और यहाँ पे बड़ी भाभी जी हैं उन्होंने दिया था, थैंक यू सो मच। और आराध्या भी थैंक यू बोल के आई, मैं एक बार फिर बोल रही हूँ आप लोग को भी थैंक यू भाभी जी को, सॉरी दीदी को। और यहाँ पे कान्हा जी मेरे एकदम हो गए हैं तैयार शेयर, नहा धो के एकदम, मतलब मैंने नहलाया नहीं है, सिर्फ मतलब इनका टीका पूजा पाठ वगैरह जो होता है ना गंगा जल से वगैरह, और इनको एक बार देखते हैं ना तो हम बस देखते ही रह जाओ, कान्हा जी ऐसे है ही हैं। और न्यू मेंबर ये मेरे बहुत ही अच्छे लगे हम लोग को भी। उसके बाद छत पे भैया कपड़ा वपड़ा सुखाना रहता है, आप लोग को पता ही है। और मैं थोड़ा सा आप लोग से बात भी करूँगी, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अभी तो मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए हैं यहाँ पर और चल रहे हैं, खाना वाना बनाना है मुझे। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं मेरे चैनल को। और जो मेरे न्यू चैनल मतलब जो न्यू मेंबर आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जैसे कि मैं अगर वीडियो डाल रही हूँ ना तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और धूप बहुत तेज़ है, हवा भी बहुत तेज़ है, मतलब धूप के साथ हवा भी है, लेकिन मौसम अच्छा है इस टाइम का, धूप वूप ना बढ़िया होता है कि कपड़े वपड़े सुखाने कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं भी थोड़ा सा आज तैयार व्यार होकर मैंने सोचा वीडियो बनाऊँगी आज, तो काफ़ी टाइम से हो गया वीडियो नहीं गया है, तो इस वजह से वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया, मतलब दोपहर टाइम से ही स्टार्ट हुआ था। और सुबह पता सुबह सुबह मैं सोचती हूँ कि मैं सुबह से ही बनाऊँगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सुबह मॉर्निंग के टाइम में इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है आप लोग को पता ही है, और थोड़ी देर अब धूप में बैठो ना तो गर्मी सी लगने लगती है। तो इस टाइम का मौसम बहुत ही ठीक ठाक है, और इस टाइम लग रहा है पतझड़ का भी मौसम है, पत्ती वगैरह झड़ रहे हैं, पेड़ वगैरह आप लोग देख रहे हैं ना वहाँ पे तो झड़ रहे हैं। तो आज की जो रेसिपी है मतलब मैं बनाने वाली हूँ निमोना, निमोना मैंने अपने चैनल पे दे रखा है, इस वजह से नहीं, कुछ अगर न्यू आइटम बनाऊँगी ना तो मैं आप तक शेयर करूँगी। और एक्चुअली क्या है कि आप लोग बोल रहे थे देवरानी से मिलवाने के लिए, तो देवरानी ना बहुत ज़्यादा भी वो शर्माती है कैमरे में आने के लिए, तो मैं थोड़ा बहुत वैसे आपको दिखा दूँगी, एक्चुअली मैं बात नहीं कर पाऊँगी, मैंने बात नहीं करवाई है,
बस मेन कारण यही है, जब जिस दिन वो एग्री होती है ना उस दिन मैं आप लोग से मतलब बात करवाऊंगी। तो चलिए नीचे चलते हैं और फटाफट, क्योंकि भूख भी बहुत तेज अब लग रही है, फटाफट मैं बनाऊंगी। कहें आपको जैसा कि पता ही चल गया था, ये भी जाएंगी मतलब थोड़ा सा ना एक्चुअली ये जाएंगी होली में और मुझे भी मायके जाना है 28 को, हमारे यहाँ प्रोग्राम है। देखते हैं जाते कि नहीं जाते, ये तो अभी 2-3 दिन के बाद ही पता चलेगा। तो सीधे चलिए नीचे, कपड़े डाल दिए अभी मशीन में, और भी कपड़े हैं जो अभी धुले जा रहे हैं, अभी बहुत बहुत कपड़े हैं धुलने के लिए। चलिए चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक्चुअली बताया था रेसिपी नहीं देना है, मेरा यहाँ पे नेमोना, एक्चुअली नेमोना मैं नहीं बनाई, देवरानी ने मेरा बनाया था, तो मैंने आप लोग को दिखा दिया है। नेमोना बहुत अच्छा बनता है, मतलब ये बनाती भी है और खाने में मुझे अच्छा लगता है। मेरे घर पे मतलब मुझे, मेरी देवरानी को, दीदी को, इन लोग को ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आज का जो मतलब लंच था, देवरानी ने ही बनाया था चावल और नेमोना, क्योंकि सुबह सब ऑयली वली खा लिए थे ना, तो मतलब मैं तो खाती नहीं हूँ सुबह नाश्ते में, कुछ होता नहीं, बस मैं वही थोड़ा बहुत चाय वगैरह पीऊँगी तो पीऊँगी, नहीं तो नहीं, मेरा मन ही नहीं करता, क्योंकि मेरी आदत भी नहीं है नाश्ते में कुछ खाने वाने का। तो यहाँ पे बस चावल वगैरह, आज का जो लंच है देवरानी ने ही बनाया था और मुझे तो बहुत पसंद है, उसको भी बहुत पसंद है निमोना चावल। तो आज का जो मेरा था लंच यही था। आप लोगों को अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं भैया जा रही हूँ खाने, क्योंकि देवरानी ने बना बनाया दे दिया है ना, तो स्वाद ही बड़ा अच्छा है। और शाम टाइम में मिल रहे हैं सीधे 4 बजे, यहाँ पे बन रही मेरी चाय, तो चाय में मैंने वही अदरक वगैरह डाल दिया है। और आप देख रहे होंगे, आप प्लीज़ कमेंट ना करिएगा पीछे का बैकग्राउंड देख के, क्योंकि अभी मेरे यहाँ मतलब जो जगह बहुत कम है ना, सामान बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी हटाया भी नहीं मैंने, कल मैंने सही किया था, आज फिर वैसे ही सेम पोजिशन पर पहुँच गया है। तो चलिए इतना तो घर पर चलता ही रहता है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर मसाले वगैरह नहीं रखा है अभी, मैंने थोड़ा सा वो कह रही थी ना मतलब वो आ जाए फ्लावर पॉट वगैरह आ जाए, तो फिर मैं इसमें खड़े मसाले वगैरह रखूँगी। तो चाय जिस जिसको पीना हो आप लोग भी आ जाइए, इवनिंग की चाय के साथ नमकीन। मैं सोच रही थी कुछ बनाने के लिए, तो वैसे ही भैया इतना पेट वोट निकल रहे हैं, फिर और बनाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा ही मैं हैवी हो जाऊंगी। मैं सोचती हूँ डेली कि भैया मैं 4 बजे उठूंगी, यहाँ पे घूमने जाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन सुबह उठ हो ही नहीं पाता। और फिर जब काम करके थक जाओ ना तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं करता कुछ करने का। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा किचन उचन? मुझे बड़ा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन अपना, तब से मैंने सेट वेट करवा दिया है। तो बस चाय हो गई है और चाय के साथ सिर्फ नमकीन ही है और कुछ नहीं है। भैया मेरे आए थे तो बस उन्हीं के लिए चाय, और क्योंकि 4-5 बजे का टाइम होता है चाय पीने का। आज मैंने मतलब देवरानी के आने से ना थोड़ा तो सुख मिलता ही है यार, मतलब कुछ वो जो मैं अकेले करती थी ना वो आ गई है, तो थोड़ा बहुत मतलब वो हेल्प करती है। तो आज मैं सोई भी हूँ, मेरा फेस भी लग रहा है सोया सोया, 1 घंटा मैंने आराम किया है, काफ़ी टाइम बाद मुझे ये मिला है, क्योंकि मेरी आदत भी नहीं है दोपहर में सोने होने का, लेकिन आज मैंने मतलब मैं सोई थी, सिर्फ 1 घंटे आराम किया था। मुझे पूरे टाइम में 1 घंटा मिल जाए बस मेरे लिए बहुत है, ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है तो है। और प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ना, भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 आप लोग ज़रूर मेरा रिक्वेस्ट आप लोग मतलब सुनिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और आप लोग के सपोर्ट के बिना यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मेरा मतलब कोई वही नहीं है, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी फिर मैं आगे मतलब जा पाऊँगी। कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट भी हो जाती हूँ, तो आपके जो कमेंट में पढ़ती हूँ फिर मैं थोड़ा सा होती हूँ कि नहीं आज नहीं तो कल तो चलेगा ही चलेगा, बस इसी चक्कर में रहती हूँ। और इस बीच मम्मी भी आ चुकी हैं, मम्मी का भी टाइम हो चुका था, मम्मी बस हैंड वॉश वगैरह करूँगी और उनके लिए भी चाय पानी ये सब हो जाए, क्योंकि मेरे यहाँ सुबह शाम का कुछ ज़्यादा ही काम रहता है, दोपहर में इतना काम नहीं रहता लेकिन सुबह शाम का कुछ ज़्यादा रहता है। और बस चाय वाय मैं हम लोग पीने मतलब बैठ चुके हैं, मम्मी ने पी लिया है, हम लोगों ने पी लिया है। और यहाँ पर मैं उबाल रही हूँ गाजर, यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ आज हलवा, हलवा भी बनेगा, पापा को कच्ची गाजर भी बहुत पसंद है वो भी खाते हैं, देखते हैं जो भी जिसको खाना होगा वो खाएँगे। और गाजर इस टाइम सीजन भी बहुत ज़्यादा है, गाजर वरी हरी मटर वगैरह ना, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कान्हा जी का भोग, तो मैंने रख दिया एक साइड में, वो होगा और यहाँ पे कान्हा का भोग बनेगा। कान्हों को भाई कुछ नया नया खिलाना पड़ता है आप लोग को पता है, तो आज मैं थोड़ा अलग सी मिठाई बनाऊँगी, मिठाई क्या हलवा टाइप का बनेगा ये,
तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कस्टर्ड पाउडर, थोड़ा सा लिया हुआ है जितना मुझे ज़रूरत है, मतलब आधे ग्लास पे मैंने मतलब दूध लिया है, और उसी की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने एक बड़े चम्मच से या अंदाज से मैंने ले लिया है। और ये बनेगा हलवा, गज़ब का बना था, कान्हा जी को भी शायद अच्छा लगा होगा। और इनके प्रसाद में अगर ये मतलब कोई चीज़ बने और भोग लग जाए कान्हा जी का, तो उसमें प्यार बढ़ ही जाता है, उसका स्वाद, प्यार तो बढ़ेगा बढ़ेगा ही, और इसका स्वाद भी दुगना हो जाता है। तो कान्हा जी आज यही खाने वाले हैं मेरे हाथ का हलवा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी, मुझे मतलब वैसे नहीं डालना था, इसको घोल बना के डालना था ना, तब जाके अच्छा होता, लेकिन इसमें गुल्टियाँ पड़ गई थी। लेकिन कान्हा जी को मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था ये वाली, मतलब ऐसी वाली मिठाई, बहुत मिठाई क्या वैसे अच्छा भी लगा था, सबको अच्छा लगा था। मैंने मतलब कान्हा जी का यहाँ पे हो चुका है थोड़ा, और आपको एकदम छोड़ना नहीं, चलाते रहना है, मतलब एक हो ना कि जलने का डर रहता है, तो कान्हा का भोग मैं कुछ ना कुछ अलग ही बनाती रहती हूँ, कुछ जो मेरा मन कर दिया कान्हा को खिलाने का ना, वही चीज़ें मैं बना देती हूँ बस फटाफट कान्हा का। बस थोड़ा सा इसमें मैंने शुगर ही डाला है, मतलब चीनी डाला है, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं मैंने डाला है। 10-15 मिनट के बाद इसको अच्छे से ये हो जाएगा, कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा ठीक हो गया है, थोड़ा सा और ठीक होगा, और यहाँ पे कान्हा जी का भोग हो चुका है रेडी। ये देखो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कान्हा जी का भोग, शाम के टाइम हो रहे हैं, 6 बजने वाले हैं ना, तो पता सेक निकल रहे हैं इस पे, मतलब फेस पे मेरे, और आप देख रहे हैं ना अजीब सा चेहरा हुआ है। तो यहाँ पे कान्हा जी का भोग हो गया तैयार, क्योंकि कान्हा जी को नया नई रेसिपी वगैरह मीठा कुछ ज़्यादा ही पसंद है, आप लोग को भी पता है कान्हा जी का। तो कान्हा जी का भोग बनाने में मज़ा बहुत आता है मुझे, भोग क्या वैसे भी सबके लिए बनते हैं, तो कान्हा जी भाई का हो रहे हैं, तो बस कान्हा जी का भोग हो गया है रेडी। तब तक मतलब मेरी दौरानी है, वो भोग लगाएगी तब तक, अभी दिया हुआ जलाने का टाइम है। और पता है मैंने फर्स्ट टाइम इसको कस्टर्ड पाउडर से मिठाई बना रही हूँ कान्हा जी के लिए, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई की हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। और वो भी रेसिपी मैं आप मतलब सिंपल सा मैं बनाऊँगी, इसमें कुछ और नहीं डालूंगी, सिर्फ यही रहेगा। चीनी तो आप लोगों ने देखा ही, चीनी डाल दिया मैंने ऑलरेडी, तो ये थोड़ा बहुत अभी है जो नहीं हुआ है, बस 2-3 मिनट का और काम है इसमें, और हो चुका है। इधर मेरा गाजर भी उबल चुका है, हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए वैसे, और पापा को तो बहुत पसंद है उबली हुई गाजर, मतलब कच्ची नहीं हो तो जैसे थोड़ा सा पकी हो, थोड़ा सा कच्ची हो। बस चलिए कान्हा जी का भी दर्शन आप लोग को मैं कराती हूँ। अच्छा तो मैंने दोपहर में करा दिया था, लेकिन कैसे मैं भोग वगैरह लगाती हूँ ना, वो भी सारी चीज़ें आप तक शेयर कर रही हूँ। तो बनी रही है ब्लॉग में, अगर ब्लॉग कहीं भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपना प्यार अपना सपोर्ट यूँ बनाए रखें। तो चलिए सीधे कान्हा जी के पास, वहीं मैं मिलती हूँ आप लोग से। का भोग हो गया, मतलब कान्हा जी का भोग लग चुका है यहाँ पे, मतलब बहुत सारी डेकोरेशन वगैरह करानी है कान्हा जी का, थोड़ी सी लाइट्स वगैरह। तो आज कान्हे पे ही वीडियो मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।